इसका उपयोग बच्चों को बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी बच्चे को बुखार लगता है तो इसको देने से उसका बुखार ठीक हो जाता है और इसमें पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। स्क्रेसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन में पैरासीटामोल उपस्थित रहता है जो कि बुखार को ठीक करता है। इसके कुछ स्ट्रेंथ है जो कि आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाएंगे। क्रेसिन 240 सस्पेंशन DS जो कि 60 ml और 100 ml की पैकेज में आती है और क्रेसिन 120 सस्पेंशन DS जो कि 60 ml और 100 ml की स्ट्रेंथ में आती है और क्रेसिन ड्रॉप्स जो कि 15 ml की स्ट्रेंथ में आती है। इसके डोज के बारे में बात करेंगे कि बच्चा को कितने मात्रा में इसको पिलाना है। अगर बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उसे 1.5 ml 2 टाइम देंगे। BD का मतलब होता है 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 6 महीने से साल भर है तो उसे 2.5 ml BD 2 टाइम देंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो उसे 5 ml 3 टाइम देंगे। TDS का मतलब होता है 3 टाइम, BD का मतलब होता है 2 टाइम और OD का मतलब होता है 1 टाइम। इफेक्ट, अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर इसका यूज किया जाता है तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मतली उल्टी हो सकती है, त्वचा के चकते हो सकते हैं, त्वचा पर ऐसे लाली हो सकते हैं, पेचिस होना यानी लैट्रिन ना होना, अगर लैट्रिन करने में कठिनाइयाँ हो सकती है, काढ़ा लैट्रिन हो सकता है, स्टूल पास करने में दिक्कत हो सकता है, यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, अगर यूरिन करता है तो उसके यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, अगर वह लाइटिन करता है तो उसका जो लाइटिन है स्टूल है मिट्टी के कलर के दिख सकता है। या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सावधानियां, अब हम आपको इसके कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे जिसका ध्यान रखना है। इसको देने से पहले इस बातों का ध्यान रखना है किस कंडीशन में इसको नहीं देना है। जिसके लीवर या किडनी खराब है उसे ना दें। अगर जिसकी लीवर और किडनी खराब है उसे ना दें। जिसे लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर जिसकी लीवर और किडनी की बीमारी है उसे भी नहीं देना है और जिसकी लीवर और किडनी खराब है उसे भी नहीं देना है। खुराकों के बीच 4 घंटा के अंतराल रखें। जब भी खुराक दे तो 4-4 घंटा के अंतराल पर दे। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने मन से यह दवा 3 दिन से ज़्यादा ना यूज करें। जब भी इसको आप लेते हैं अपने सलाह से लेते हैं तो इसको 3 दिन से ज़्यादा ना चलाएं बिना डॉक्टर के सलाह के। जितना खुराक डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतना ही खुराक ले, इसका ज़्यादा खुराक ना ले। जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है उसके शरीर पर रेडनेस, खुजली, चकते हो सकते हैं। जितना डॉक्टर ने इसको एडवाइस किया है उससे ज़्यादा ना ले। उससे ज़्यादा लेने पर आपकी किडनी और लीवर डैमेज हो सकती है और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।